बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात। हेल्थ टिप्स इन उर्दू में आपकी बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है नए नुस्खे के साथ, जो मैं आपको बता रही हूँ पित्ते की पथरी जो लोगों की होती है वो ख़त्म करने के लिए। ये नुस्खा बहुत ही आसान और नहायत ही आजमूदा नुस्खा है जो मैं आपको बता रही हूँ। और ये पित्ते की पथरी के लिए, जिन लोगों को पित्ते की पथरी हो जाती है वो किस वजह से होती है, वो पित्ते की पथरी इसलिए होती है कि उनको उनके खाने पीने की ज़्यादती की वजह से, जैसे भी चावल जो हैं वो बहुत नुकसानदेह करते हैं कई लोगों को, जो हज़म नहीं कर पाते और उनके पित्ते में पथरी हो जाती है, चावलों से ज़्यादा पथरी होती है। और या जो हम खाने में जो सफाई से नहीं खाते कि किंकर आ जाते हैं खाने में, चावल में किंकर आ जाते हैं तो हम खा जाते हैं वो, तो वो उससे भी पथरी जाके बनती है। तो बाकी आपको जो खाना पीना है वो आपको सबसे पहले आपको ठीक रखना है कि आपके पित्ते की पथरी होती क्यों है। और ये बहुत से लोगों को होती है और तकलीफ़ देह भी बहुत होती है, और इसके लोग ऑपरेशन भी करवा लेते हैं। ऑपरेशन की वजह से लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं और तकलीफ़ भी बहुत होती है, क्योंकि वो कहते हैं हमें जल्दी से ये हमारी जो पथरी निकल जाए। तो ख़वातीन हज़रात, मैं जो आपको बता रही हूँ वो नहायत आसान नुस्खा है, और आपको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑपरेशन की वजह से आप परेशान नहीं हुएँ और ना डरें, ना आपको कराने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जो मैं नुस्खा बता रही हूँ वो देखें, ये है सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, ये जैतून का तेल है, और ये जैतून का तेल आपने लेना है और अच्छी दुकान से लेना है, साफ़ सुथरा, जैसे ये मेरा साफ दिखाई दे रहा है। आपने ये जैतून का तेल लेकर, और दूसरी बात आपने ये देखें, ये है सेब का सिरका है। इसको सेब के सिरके को आपने जब लेना है तो आपने अच्छी कंपनी का लेना है, और ये दत्तू कंपनी का भी होता है सिरका, और भी बहुत होते हैं, मगर जो कंपनी अच्छी वाली कंपनी है वो दत्तू कंपनी की होती है, जो मैं आपको कंपनी भी बता दूं जो बेस्ट कंपनी है। तो आपने उसका सिरका ये लेकर आपने क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को आपने, ये जैतून का तेल है और ये सेब का सिरका है, इनको आपने, इनके पथरी है पेट में होती है तो उनको आपने एक चमचा इसका लेना है आपने सेब के सिरके का, और एक आपने सेब के सिरके का, एक जैतून का तेल का चमचा लेना है, और इन दोनों चमचों को आपने मिक्स कर लेना है। एक चमचा इसका लेना है सेब का सिरका, एक चमचा आपने जैतून का तेल, इनको आपने कप लेना है, उसमें मिक्स करके मरीज़ को जिसके पथरी हो आपने उस मरीज़ को दे देना है। आपने ये चमचा एक सुबह पे लाना है मिला के, एक चमचा रात को देना है आपने मरीज़ को, तो इंशाल्लाह ताला उसकी जो पथरी है उसको पता भी नहीं चलेगा, वो पथरी आपकी निकल जाएगी। तो आपने ये जब मरीज़ को एक हफ़्ते तक तकरीबन लगातार आप दें, एक हफ़्ते तक आपने मरीज़ को देना है। जब आप एक हफ़्ते के बाद आप देखेंगे, खुद आप टेस्ट करवाएंगे तो आपके पथरी होएगी नहीं, पित्ते की पथरी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे थी ही नहीं। तो आप ये मरीज़ को दें इंशाल्लाह ताला। आप मेरी ये जो वीडियो है आप कमेंट ज़रूर करें मेरी वीडियो में, और लोगों को भी बताएं, ये नुस्खा बहुत अच्छा और आसान है और बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है, और ये मेरे आजमाए हुए नुस्खे होते हैं, मैं जिन जिन को भी बताती हूँ उनको बहुत फ़ायदा होता है और उनको आराम भी आया है, और अल्लाह ताला भी आपको सेहत याबी करे जब आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपको भी अल्लाह ताला ये सेहत देगा और आपकी पथरी भी निकल जाएगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपका खाना पीना भी आपको अच्छा लगेगा, खाने में आपकी तकलीफ़ भी दूर हो जाएगी। और आपने ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करना है, आपको अल्लाह ताला सेहत दे, आप दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। अपनी बाजी परवीन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।